वैसे तो दोस्तों भारतवर्ष में पुराने स्मारकों व किलों की कोई कमी नहीं है, लेकिन आज हम आप लोगों को लेकर चलते हैं आगरा जिले में यमुना नदी के किनारे बसे हुए कचौरा गांव में। जी हाँ दोस्तों, जहाँ बताया जाता है कि भदावर राजाओं का एक किला बना हुआ है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग हमारे पीछे देख सकते हैं, आपको दिख रहा है कचौरा गाँव दिख रहा है। अब हम आ चुके हैं किले की सीमा में, अंदर आ चुके हैं। तो चलिए हम आप लोगों को किले के ऊपर लेके चलते हैं। और जैसा कि आप देख रहे होंगे हमारे आगे ये दो बच्चे चल रहे हैं, ये हमें यहाँ मिले हैं, ये हमें ये किला पूरा घुमाने वाले हैं, हमें गाइड करने वाले हैं। तो चलिए हम भी आपको किला घुमाते हैं, पहले ऊपर चलते हैं। दोस्तों इसकी चढ़ाई तकरीबन ये 400-450 फीट ऊंचाई पर टीले पर बना हुआ है किला। तो पहले हम ऊपर चलते हैं, फिर ऊपर चल के आपको पूरी किले की जानकारी देते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें, जिससे कि आगे आने वाले हमारे इस तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आप लोगों को। तो चलिए अब ऊपर लेके चलते हैं, आपको किला दिखाते हैं। सोचिए जरा दोस्तों, किसी समय में यह किला एक कितनी अच्छी रियासत रहा होगा। यहाँ पर जब राजा महाराजा लोग रहा करते होंगे, लेकिन आज वर्तमान में केवल यहाँ इस किले के खंडर ही हमें देखने को मिलते हैं। ये देखिए, आपको यहाँ से दिखाने की मैं कोशिश करूँगा, ये शायद किले का बुर्ज रहा होगा। जो किले में बुर्ज बना होता है, जिस पर सिपाही या सेनापति खड़े होकर एरिया में देखता है, तो ये शायद देखने से लग रहा है दोस्तों बुर्ज रहा होगा। चलिए ऊपर की तरफ बढ़ते चल रहे हैं। और आप जैसा देख सकते हैं, आज यहाँ पेड़ के अलावा और कुछ नहीं है। ये जो बमूल के पेड़ हैं, चारों तरफ हमें बमूल के ही पेड़ दिख रहे हैं। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं किले का जो मुख्य भाग है, किले के मुख्य भाग में पहुंच चुके हैं। इधर भी हमें ये कुछ बना हुआ दिख रहा है, लेकिन हम वहाँ तक पहुँच नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ये कांटे और ये झांकर पड़े हुए हैं। और इधर जो बना हुआ है किले का, ऊपर कैमरा घुमा के आपको दिखाने की कोशिश करूँगा मैं। ये ऊपर आप ये देख रहे हैं, ये इस किले का मुख्य भाग बना है, जिसे बारह द्वारी कहा जाता है। ये हम आपको ऊपर भी ले चलेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले हम आपको अंदर ले चलते हैं, अंदर से इसे दिखाते हैं बारह द्वारी कैसी दिखती है। आप ये देख रहे हैं, इसमें आ गए हैं दोस्तों। ये चीज को हम रियलाइज कर सकते हैं, ये चीज हमें महसूस हो रही है कि जैसे ही अभी हम नीचे से ऊपर तक चढ़ के आए हैं, तो जो गर्मी थी वो हमें महसूस हो गई थी, गर्मी है। लेकिन अंदर जैसे ही हम इसमें पहुंचे हैं दोस्तों, अलग ही एक हमें अलग तरह की ठंडक का महसूस हुआ है। और ये आप जैसा देख रहे हैं, हमारे साथ में ये दोनों बच्चे आए हैं, किला हमें यही घुमा रहे हैं। इन्होंने हमें बताया है, जो आप ये वाले अच्छे देख रहे हैं, इनमें किसी समय में यहाँ पे फोटो लगी रहती थी, चारों साइड ये इसके चारों साइड फोटो लगी रहती थी। और आप जैसा देख सकते हैं, इसके अंदर वाले इस वाले हिस्से में हम नहीं जाएंगे, इसमें अंदर चमकदड़ी है। तो ऊपर ये देखो, ये उड़ रहा है, ये देखो चमकदड़ी, ये उड़ रहा है देखो। तो ये जैसे ही इन्होंने हमारी आवाज सुनी तो एकदम से बाहर निकल आए। इस हिस्से में भी आपको हम दिखाते हैं आके, ये देखिए। अब इसमें भी कुछ ज्यादा नहीं रहा है, यहाँ से हमें रोड दिखती है और बेड़ दिखता है जमुना का। इधर से आपको दिखाऊंगा, ये देखो ये रोड दिख रही है सीधी, ये इटावा आगरा मार्ग है दोस्तों। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक यहाँ चीज दिखाने की कोशिश करूंगा। इस बच्चे ने हमें बताया है दोस्तों कि यहाँ पे जो ये स्थान आप देख रहे हो, ये सुरंग जा रही है, बताता है ये, इसमें ये सुरंग गई है, पता नहीं ये रास्ता कहाँ के लिए गया है। वैसे ये जो बच्चा बैठा है, इसने हमें यहाँ बताया है कि इसमें यहाँ से राजा महाराजा लोग जो हुआ करते थे, वो जमुना जी के लिए जाते थे यहाँ से। लेकिन वर्तमान में अभी क्या है, बारिश के कारण यह किला गिर चुका है, धसक चुका है, इस चक्कर में यह सुरंग बंद हो चुकी है। ये अब हम आपको किले के दूसरे हिस्से में लेके चलते हैं, जहाँ बता रहे हैं ये बच्चे कि एक कुआं भी बना हुआ है, प्राचीन कुआं है, वो भी बहुत पुराना कुआं है। चलिए अब आपको उस हिस्से में ले चलते हैं आगे की तरफ। चलिए दोस्तों, हम आपको लेके चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं, जहाँ जहाँ हमें ये बच्चे बताते चल रहे हैं, उसी एरिया में उसी दिशा में हम आपको लेके चल रहे हैं।
लेकिन उससे पहले हम इस पे ऊपर भी चलेंगे, इस पे ऊपर चढ़ना पड़ेगा यहाँ से कोने से, वो आपको हम बाद में लेके चलेंगे। पहले किले की और एरिया आपको हम घुमा दें जो यहाँ किले में ये बनी हुई है। आराम से आना भाई, बहुत छाते हैं यहाँ पर, आराम से आना। कैमरामैन भैया हमारे मेरे साथ में जो हैं, धनंजय भाई आए हैं हमारे साथ, और आगे निकलने की हम कोशिश करते हैं चलने की। यहाँ से जमुना जी भी हमें क्लियर दिखाई देगी भाई, आराम से चलना, अगर पैर फिसला तो समझ लो गए नीचे। ये मैंने भाई पकड़ लिया कैमरा, लेकिन हमारी जो केबल है वो इसमें उलझ गई है डोरी माइक की। चलो निकल गई, छोड़ो 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 निकल गई। ये एक बुर्ज ये बना हुआ है, ये सामने आप ये देखो, जूम करके मैंने आपको दिखाया जो ये सामने बना हुआ है, एक किले का बुर्ज ये बना है, और यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है। ये देखो ये बच्चा है, देखो कहाँ चढ़ गया, कहाँ खड़ा है, देखो भाई कहाँ, क्या बता रहा है इसमें, कहाँ जी। अच्छा इसमें, ये देखो मैं एक मिनट रुकना, अभी ऊपर ही इसे फ़ोन देता हूँ बच्चे को और इसी से दिखवाता हूँ, क्योंकि हम तो भाई चढ़ नहीं पाएंगे, मुश्किल है। कोशिश करूँगा जितना हो सके उतना चढ़ने की, ले पकड़ना भाई। ये देखो बच्चे को दे दिया मैंने फ़ोन, एक मिनट दोस्त, मैं भी चढ़ने की कोशिश करता हूँ यहाँ से। चढ़ गया भाई,